हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपद एकेडमी। सो देखो बच्चों, फाइनली कॉमेट के का रिजल्ट भी आ गया है, आपको आपका रैंक भी पता चल गया होगा। और बच्चों अब फाइनली कॉमेट के ने अपने राउंड वन के शेड्यूल को भी रिलीज कर दिया है। किस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, कब से लेकर के कब तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, चॉइसमिंग आप लोग कब कर सकते हो, सारी बातें को इन लोगों ने बता दिया है। यानी कि बच्चों राउंड वन के शेड्यूल को रिलीज कर दिया है, ठीक है। सो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट राउंड वन के शेड्यूल को एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से राउंड वन का प्रोसेस चलने वाला है। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ठीक है। बस स्टूडेंट स्किप मत करना, चाहो तो आप लोग 1.5x या फिर 2x पे देख सकते हो अगर समझ में आता है तो, ठीक है। सो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन बच्चों सभी से पहले, आप में से जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम प्रेस कर लो। क्योंकि बच्चों इस चैनल पे अभी से लेकर के पूरे कॉमेट के काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग A to Z वीडियो आएगा, ठीक है। इस चैनल पे बच्चों मल्टीपल काउंसलिंग करवाया जाता है, ठीक है ना। सो कॉमेट के काउंसलिंग में तो आपकी हेल्प होगी ही, इसके अलावा अदर काउंसलिंग में भी आपकी हेल्प हो जाएगी, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम प्रेस कर लेना, लास्ट तक वीडियो को देखो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, नहीं तो आप लोग ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, कॉमेट के ने अपने राउंड वन के शेड्यूल रिलीज कर दिया, ठीक है। आपका राउंड वन का रजिस्ट्रेशन 11th of June यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, इन्होंने अपने शेड्यूल में ये दे रखा है कि आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग कोर्सेज की बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों आप लोग रजिस्ट्रेशन और साथ में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हो 11th of June यानी कि आज शाम के 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कब तक चलेगा, तो बच्चों 22nd of June 2023 के आफ्टरनून 2 PM तक का, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों सबसे पहले राउंड वन के चॉइसमिंग से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लास्ट डेट है 3rd of July 2023 का, ठीक है। अब देखो बच्चों, आप में से कुछ बच्चे का डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई होगा, कुछ का बाद में होगा, लेकिन अभी तक इनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका 3rd of July तक सभी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है कि पैनिक नहीं करना है, पेशेंस बना करके रखो, एक लंबा जर्नी है, ठीक है ना, ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने ये कहा है कि ये जो डेट है ये टेंटेटिव है, और टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि मे बी इस डेट को चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अगर चेंज होगा देन आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। इसलिए चैनल पे आप लोग लगातार बने रहना, ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, राउंड वन का शेड्यूल स्टार्ट होगा, यानी कि आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन बच्चों चॉइसमिंग करने से पहले आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई होना चाहिए, और बच्चों डॉक्यूमेंट स्टेटस में आपका अप्रूव लिखा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग चॉइसमिंग कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चॉइसमिंग का डेट है 11th of July 2023 के मॉर्निंग में 11 AM से स्टार्ट हो जाएगा, और ये चलेगा बच्चों 12th of July 2023 के रात में 11:55 PM तक का, ठीक है ना, ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद आपका मॉन्क सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है, ठीक है। ये बच्चों डेट दे रखा है 14th of July 2023 के आफ्टरनून में 2 PM तक का, ठीक है। अब देखो बच्चों, मॉन्क अलॉटमेंट बस एक ये होता है कि एक्सपेक्टेड होता है कि उस टाइम तक जितने भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा, चॉइसमिंग किया होगा, उन सभी में से आपको कौन सा सीट मिला हुआ है। बेसिकली मॉक अलॉटमेंट आपका एक्सपेक्टेड होता है, एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉक अलॉटमेंट में अगर आपको कोई बढ़िया सीट भी मिलता है तब भी ज्यादा खुश नहीं होना है, और अगर कोई सीट नहीं भी मिलता है तब भी ज्यादा दुखी नहीं होना है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मॉक अलॉटमेंट में जो भी बच्चों को सीट मिला होता है, कई बार क्या होता है कि लास्ट तक में उससे बेटर सीट बच्चे को अलॉट हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। और हमने कई बार ये भी देखा है कि काफी सारे बच्चों को काफी ज्यादा बढ़िया सीट मिला होता है मॉक अलॉटमेंट में, लेकिन बच्चों लास्ट तक में उससे नीचे के ही सीट मिलता है, ठीक है। तो ये है कि मॉक अलॉटमेंट में आपको जो भी सीट मिला होगा, आपको ना तो उससे ज्यादा खुश होना है और ना ही ज्यादा आपको दुखी होना है, ठीक है, ये समझ में आ गया है। बाकी बच्चों देखो, आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको तभी मिलेगा जब आपका चॉइसमिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा, ठीक है ना। देखो बच्चों, एक पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच को फर्स्ट नंबर पे रखने से एक्स्ट्रा प्रायोरिटी नहीं मिलता है, बस स्टूडेंट्स आपका चॉइसमिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों आप लोग फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कर रहे हो, आपके पास उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, सो बच्चों डोंट वरी, उस सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर यूज करके बाय कर लेना।
जैसे ही बाय करोगे वैसे ही सबसे पहले हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बच्चों कॉल पे आपकी जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपको पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाएगा जहां पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट हैं। एक बार बाय करने के बाद आप लोग हमारे टच में आ जाओगे। अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा, फाइनल एडमिशन तक की मैं बात कर रहा हूँ, तब तक हम लोग आपका साथ दे रहे होंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे उनको हमारे टीम मेंबर रेगुलर क्लियर कर रहे होंगे। आप लोग कभी भी कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो, अनलिमिटेड कॉल है। और इसके लिए बच्चों आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग अपने मेंटर से कभी भी कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। और देखो बच्चों आपको पर्सनल मेंटर तो प्रोवाइड करेंगे ही, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसिंग करवाई जाएगी और लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग कर रहे हैं, इस चैनल पे मल्टीपल काउंसलिंग करवाया जाता है, आप लोग चैनल को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट जल्दी से बाय कर लेना, ऑल लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सारा फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ 999 rupees में ही दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों ये प्राइस जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, बहुत जल्द ही इसका प्राइस बढ़ने वाला है। प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो देखो बच्चों जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें भी टीम को बड़ा करना होगा, है ना। और बच्चों को सैलरी भी तो पे करना होगा ना, फ्री में कौन काम करता है, कि नहीं। तो यही है बच्चों, इसलिए बहुत जल्दी इसका प्राइस बढ़ने वाला है। और देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमेंट के का बाय करोगे उस केस में 999 rupees लगेगा, लेकिन बच्चों अगर आप लोग कॉमेंट के साथ साथ और भी काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना चाहते हो, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करना चाहते हो, उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है और स्टूडेंट्स और भी कम प्राइस में हो जाता है, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना, बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। और नहीं बाय करोगे तो ऐसा नहीं है कि एडमिशन ही होगा, बस यही है कि जो कॉलेज और जो ब्रांच आपको मिलेगा उससे बेटर आप लोग डिजर्व करते हो, उससे बेटर मिल सकता है, ठीक है। सो बच्चों ज्यादा नहीं कहेंगे, बस यही है कि बाय कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके बाय कर लेना। जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा हम लोग कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद सारी बातें कॉल पे हो जाएगी, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों मॉक अलॉटमेंट होने के बाद भी आप लोग अपने चॉइस लिंक में चेंजेस कर सकते हो, यानी कि बच्चों चॉइस लिंक में चेंजेस करने का लास्ट डेट दिया गया है 16 July 2023 के आफ्टरनून में 3 PM तक का, ठीक है ना। सो बच्चों इस टाइम तक आप लोग चॉइस लिंक में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अभी बता ही दिया है कि चॉइस लिंक आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच को फर्स्ट नंबर पे रखने से एक्स्ट्रा प्रायोरिटी नहीं मिलने वाला, ठीक है, ये समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ये डेट दिया गया है 16 July 2023 का ही, ठीक है ना। वैसे तो उन्होंने टाइम दिया है 3 PM का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा 16 July को इवनिंग में 5 PM या फिर 6 PM के अप्रोक्स, ठीक है। बाकी जैसे आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। इसके बाद बच्चों आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको राउंड 1 में सीट मिला होगा उन सभी को डिसीजन लेना होता है, डिसीजन में अलग अलग चीज होता है, हालांकि उस टाइम पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर, ठीक है ना। जैसे ही सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा कि सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आने के बाद का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी के लिए मैं आपको इतना बताता हूँ कि अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिला है उसके बाद बच्चों सीट मिलने के बाद आपके पोर्टल में कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसे कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो सीट आपको मिला हुआ है उसको आप लोग एक्सेप्ट तो कर रहे हो साथ में फ्रीज भी कर रहे हो, ठीक है। अब देखो बच्चों एक्सेप्ट एंड फ्रीज जो है आपको नहीं करना है, क्योंकि बच्चों फ्रीज का मतलब ये है कि जो भी सीट आपको मिला है अगर आप लोग फ्रीज करोगे तो बच्चों उसी सीट में आपका एडमिशन हो जाएगा, आप लोग फर्दर ऑन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। फ्रीज का मतलब ये है कि जो भी सीट मिला हुआ है उसी में आपका 100% एडमिशन हो जाएगा, आप लोग आगे के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और बच्चों स्टार्टिंग में फ्रीज नहीं करना है क्योंकि आपको राउंड 1 में जो भी सीट मिला हुआ है फर्दर राउंड में उसे बेटर ही मिलेगा, ठीक है ना। ये है बाकी बच्चों अगर आपको आपका फेवरेट सीट मिल चुका है जैसे कि RVCE में जो है वो CSE हो गया, तो उस केस में कहने का मतलब ये है कि अगर फेवरेट सीट मिल गया है तो उस केस में एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हो, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। बाकी बच्चों दूसरा ऑप्शन होता है हमारा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करने का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी सीट आपको मिला हुआ है वो तो ठीक है उसे आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन आप लोग अपग्रेड के लिए जा रहे हो यानी कि आप लोग सेकंड राउंड में जाना चाहते हो। सेकंड राउंड में जाने के बाद अगर आपको कोई नया सीट मिलेगा तो उस केस में पहले वाला सीट आपका कैंसिल हो जाएगा और बच्चों नया वाला सीट नहीं मिलेगा तो पहले वाला सीट आपका रिटेन रहेगा, ठीक है ना। अब नया वाला सीट पहले वाले सीट से बढ़िया है या नहीं है ये डिपेंड करता है आपके चॉइस प्लिंग के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चॉइस में आपका
एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होना जरूरी है और उसके लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग खुद से चॉइस में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं कर सकते हो, ये 100% है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो वगैरह देख करके कर लोगे, लेकिन बच्चों सभी के रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग चॉइस में होता है और यहाँ पे हम लोग पर्सनलाइज चॉइस में करते हैं, ठीक है। आपका कंडीशन क्या है, सिनेरियो क्या है, ये सारी चीज को देख करके ही यहाँ पे चॉइस में करवाया जाता है। और लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। बाय करोगे तो पक्का मिलने वाला है बढ़िया कॉलेज ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको सीट मिलेगा तो सीट मिलने के बाद आपको फी पे करना मैंडेटरी है, चाहे आप लोग एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो या फिर बच्चों आप लोग एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करो, ठीक है। इसके अलावा भी और भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि बच्चों रिजेक्ट करना चाहते हो यानी कि जो भी सीट मिला हुआ है उसे आप लोग कैंसिल करना चाहते हो, लेकिन आप लोग सेकंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैंने बता ही दिया है, उस टाइम पे मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। सो बच्चों यही है कि अगर आपको सीट मिला है उस केस में आप लोग कुछ भी करो लेकिन आपको फी पे करना होगा, अगर फी नहीं पे करोगे तो आपके सीट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। सो इस बात का ध्यान रखना, फी पे करना। हालांकि ये फी जो है वो आपका वन टाइम पेमेंट होता है, फर्दर अपग्रेडेशन होगा तो फिर से आपको फी नहीं पे करना होगा, साथ में ये फी आपका रिफंडेबल होता है, तो अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आप लोग रिफंड भी करवा सकते हो, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। सो बच्चों ये फी पे करने का लास्ट डेट है और साथ में जो भी आप लोग डिसीजन लोगे, ठीक है, ये सब करने का लास्ट डेट दे रखा है 20 जुलाई 2023 के इवनिंग में 4 PM तक का, ठीक है ना। 18 जुलाई 2023 के आफ्टरनून में 2 PM से स्टार्ट हो जाएगा और 20 जुलाई 2023 के इवनिंग में 4 PM तक चल रहा होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये भी समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, आप में से ऐसे स्टूडेंट जिनको सीट मिला होगा उन्होंने फी पे कर देंगे, उसके बाद आप में से ऐसे बच्चे जो कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज करेंगे उन सभी को रिपोर्टिंग भी करनी होती है, ठीक है ना। रिपोर्टिंग कहाँ पे करेंगे, तो रिपोर्टिंग बच्चों उस कॉलेज में करना होगा जिस कॉलेज में आपको सीट मिला होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से रिपोर्टिंग करना होगा आपको, अगर रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो फिर से आपकी सीट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो सारी बात का ध्यान रखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना, ठीक है बच्चों। ये रिपोर्टिंग करने का जो इन्होंने डेट दे रखा है, ये डेट है आपका 18 जुलाई 2023 के आफ्टरनून में 2 PM के बाद से लेकर के 22 जुलाई 2023 के आफ्टरनून में 12 PM तक का, ठीक है। तो ध्यान से ये भी आप लोग कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे रखा है वही जो मैंने आपको बताया है कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले स्टूडेंट ही सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टिंग करेंगे, इसके अलावा एक्सेप्ट एंड अपग्रेड वाले बच्चे को रिपोर्टिंग नहीं करना होगा, ठीक है। ये भी डाउट क्लियर हो गया है। बाकी बच्चों इस टाइम पीरियड के बीच में जो भी गेजेटेड हॉलीडेज होंगे, जैसे संडे हो गया या फिर कोई फेस्टिवल हो गया, उसमें आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये सब चीज हो जाएगा। इसके बाद आप में से ऐसे बच्चे जिन्होंने फी पे कर दिया है लेकिन उनको लेटर में रियलाइज होता है कि मुझे तो एडमिशन नहीं लेना है, मुझे सीट कैंसिल करवाना है, उस केस में आप लोग सीट कैंसिल कर सकते हो, आपके फी को रिफंड कर दिया जाएगा। इसका डेट दे रखा है अगेन से 18 जुलाई 2023 के 2 PM से लेकर के 22 जुलाई 2023 के आफ्टरनून में 3 PM तक का, ठीक है। सो बच्चों इसी तरीके से आपका राउंड वन का शेड्यूल चलने वाला है। बाकी बच्चों मैंने आपको बता ही दिया है कि स्टूडेंट ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है, इसको चेंज किया जा सकता है। टेंटेटिव का मतलब यही है कि वो फिक्स नहीं है, मे बी इसको चेंज किया जा सके, ठीक है। हालांकि बच्चों लास्ट ईयर कई बार ये चेंज हुआ था, हालांकि एक और रीजन भी है कि लास्ट ईयर काफी लेट काउंसलिंग हुआ था, इस बार मेरे को ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन बच्चों चेंज होगा देन आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है ना, ये समझ में आ ही गया है। और बच्चों इसके बाद राउंड टू का शेड्यूल बाद में रिलीज करेंगे, ठीक है। टाइम टू टाइम कमेंट के रिगार्डिंग जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा वी विल प्रोवाइड यू। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि आपके इस जर्नी में चैनल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। और बच्चों मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोग पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो। मैं इतने बार बोल रहा हूँ, देखो बच्चों आप लोग जिस भी कॉलेज में जाओगे वहां पे 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए एक साल का पे कर रहे होगे, और स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज लग रहा है। लेकिन बच्चों 999 रुपीज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। देखो बच्चों आपका रैंक क्या है डजंट मैटर, कई बार होता क्या है कि रैंक उतना बढ़िया नहीं होता है, लेकिन अगर आप लोग सही से चॉइस में करते हो तो आपको एक बेटर सीट मिल जाता है उस बच्चे के मुकाबले जिसका रैंक बेटर है लेकिन उसके पास काउंसलिंग का चॉइसलिंग का प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं बच्चों बाय कर लेना, लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। और देखो बच्चों आप लोग चाहो तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट के का बाय कर सकते हो या फिर मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो, इतने सारे काउंसलिंग यहाँ पे करवाया जाता है, चेक करो कोई ना कोई काउंसलिंग और बाय करने का आपका मन होगा। वैसे भी बच्चे को अपने रैंक के अकॉर्डिंग 2 से 3 काउंसलिंग करना चाहिए, ठीक है ना।
ऐसे मुंह उठा करके किसी भी काउंसलिंग में नहीं जाना चाहिए, लेकिन रैंक के अकॉर्डिंग 2 से 3 काउंसलिंग करना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग बार बार नहीं आता है। एक बार बच्चों एडमिशन होने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से बाय कर लेना। और बच्चों अगर आप लोग मल्टीपल काउंसलिंग सपोर्ट बाय करोगे उस केस में कॉम्बो ऑफर लग जाता है और भी कम प्राइस में हो जाता है, ठीक है। सिर्फ कॉमेडी का बाय करोगे उस केस में 999 रुपीज लगेगा, ठीक है। सो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना और लिंक इज अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। बाय करोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।